हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो आज के वीडियो लव इन कॉन्ट्रैक्ट ड्रामा एक्सप्लेनेशन सीरीज की पार्ट 3 वीडियो होने वाली है। तो अगर आपने इस ड्रामा एक्सप्लेनेशन सीरीज की मेरे पिछले वीडियोस को नहीं देखी हो तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी, आप वहां से उन वीडियोस को देख सकते हो। तो बिना कोई देरी किए चलो आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। एपिसोड के शुरुआत में हम देखते हैं कि हे जिन सांगियन, जो कि तब सोई हुई थी, उसको गोदी में उठा के उसके घर में ले जा रहा था। तभी जीहो आके उसे रोकता है और सांगियन को उसके घर में ले जाने बोलता है, क्योंकि वो सांगियन को अकेले हेजिन के साथ नहीं छोड़ सकता था। तो उसकी बात सुन के हेजिन सांगियन को जीहो के घर में ले जाता है। वहाँ सांगियन सो रही थी और वो दोनों उसको पहरा दे रहे थे। कुछ टाइम बाद सांगियन जब नींद से जग के खुद को उस घर में देखती है, तब वो एम्बेरेस्ड होके वहाँ से तुरंत चली जाती है। आगे हमें पास्ट के सीन से पता चलता है कि जीहो का बचपन बहुत ही भरा था। बहुत ही छोटी उम्र में उसके पापा की मौत हो जाती है। इसके बाद से वो अपने बुआ के साथ रहने लगता है, लेकिन वहाँ उसके साथ बहुत ही बुरा बर्ताव किया जाता था। सिर्फ उसका चाइल्डहुड ही दुखों से भरा हुआ नहीं था, बल्कि चाइल्डहुड से भी दर्दनाक किस्सा उसके साथ तब हुआ था जब उसकी बीवी, जिससे वो बहुत प्यार करता था, वो उसको पैसों के लिए छोड़ के चली जाती है। और डिवोर्स के टाइम उसको स्पेसिफिकली ये बोलती है कि डिवोर्स के टाइम जीहो को ये करना होगा कि उसकी वजह से ही डिवोर्स हो रही है। तो इन सब चीजों के वजह से ही जीहो अब किसी से भी प्यार करने से डरता था। इसीलिए ही वो सांगियोंग को पसंद करते हुए भी उसे ये बताने से झिझकता था। एनीवेज, आगे सांगियोंग जीहो के घर में जाती है और वो जितना भी टाइम वहाँ रहती है सिर्फ उन दोनों के किस के बारे में ही सोचती रहती है। लेकिन जीहो से ये पूछ नहीं पाती कि क्या उसे उस दिन के बारे में कुछ याद है। और इधर जीहो भी यही सोचता रहता है कि उस दिन सांगियन ने उस पार्टी के लिए उस घर को जैसे सजाया था, फिर उसको जैसे ट्रीट किया था, वो किया सांगियन ने सिर्फ जॉब पूरा करने के लिए ही किया था, या फिर उसके मन में भी जीहो के लिए कुछ फीलिंग्स है। इधर हेजिन सांगियन को इम्प्रेस करने के लिए उसे एक दिन हॉर्स राइडिंग पर ले जाता है और एक दिन एक याट बुक करके उसे वहाँ डेट पर ले जाता है। लेकिन इतना सब कुछ करने के बाद भी वो सांगियन का दिल नहीं जीत पाता। जीहो धीरे धीरे सांगियन के साथ अपने रिलेशन को आगे बढ़ा रहा था। अब सांगियन हर रोज उसके लिए कपड़े चूज करती थी और जीहो उनको ही पहन के ऑफिस जाता था। यही होते होते एक दिन सांगियन मॉल में एक टाई देखती है। उसे देश के उसे जीहो के बारे में याद आता है, इसीलिए वो उसे खरीद लेती है उसको जीहो को गिफ्ट करने के लिए। लेकिन बाद में वो जीहो के घर में जब उसी टाई को देखती है, तब ये देश के उसे थोड़ा बुरा लगता है। इसके बाद वो जब जीहो के घर से जा रही थी, तब उसकी मुलाकात हेजिन से होती है और तब वो उसे उस टाई को गिफ्ट कर देती है। हेजिन सांगियन से उस गिफ्ट को पाके बहुत खुश हो जाता है और अगले दिन लाइव वीडियो में उसके सभी फैंस को इस गिफ्ट के बारे में बता देता है। और वो वीडियो जब जीहो देखता है, तब वो जेलस हो जाता है इस बात पे कि सांगियन ने हेजिन को गिफ्ट दिया। तो गुस्से में वो तुरंत सांगियन को कॉल करके उसे कुछ बहाना करके उससे मिलने बुलाता है। सांगियन तो वैसे भी उससे मिलने के लिए तैयार बैठी रहती थी, उसके कहने पर वो उससे मिलने चली जाती है। सांगियन जीहो से मिलने कोर्ट गई थी। तो काम खत्म होने के बाद वो दोनों वहाँ से घर आते हैं। आज किसी वजह से सांगियन का ड्रिंक करने का बहुत मूड था, इसीलिए वो खुद तो ड्रिंक करती ही है और जीहो को भी फोर्स करके ड्रिंक करवाती है। थोड़ा सा ड्रिंक करते ही जीहो को नशा हो जाता है और नशे की हालत में वो वहाँ सो जाता है। तो सांगियन उसको कुछ टाइम तक सोते हुए देखती है और इसके बाद वो उसे किस करने ही जाती है, लेकिन फिर खुद को रोक लेती है और एम्बेरेस्ड होके वहाँ से जाने लगती है। कि तभी जीहो उसका हाथ पकड़ के उसे बोलता है, मुझे उस दिन उस किस के बारे में सब कुछ याद है, लेकिन मैं डर रहा था, अगर मैंने तुम्हें उस दिन के बारे में याद दिलाया तो तुम मुझे छोड़कर चली जाओगी, इसीलिए मैंने तुम्हें कुछ भी नहीं बताया। ये सब कुछ सुन के सांगियन खुश होने के साथ साथ शर्मा भी जाती है और शर्मा के वहाँ से चली जाती है। उसके जाने के बाद जीहो याद करता है कि कैसे वो आज ये सब कुछ बोलने का प्रैक्टिस कर रहा था, ताकि वो सांगियन को अपने दिल की बात बता पाए। आगे ही जिन ग्वांगनाम को उसका बॉडीगार्ड बनने का जॉब ऑफर करता है। ग्वांगनाम ताइक्वांडो का टीचर था और एक दिन उसने सांगियन और हेजिन को गुंडों से बचाया था। तब से ही हेजिन ने ये डिसाइड कर लिया था कि उसको ही वो बॉडीगार्ड बनाएगा। इस बार ये जॉब लेने से पहले ही ग्वांगनाम
उसे उसके गे होने के बारे में बता देता है, ताकि पहले की तरह बाद में इस बात के बारे में जान के उसे अचानक से नौकरी से ना निकाल दिया जाए। ये बात सुन के भी हेजिन उसको नौकरी पे रखने के लिए तैयार था, जिसके बाद ग्वांग नम खुशी खुशी नौकरी ज्वाइन कर लेता है। सेओन जिन हेजिन से मिलता है और उसे थ्रेट दे के बोलता है कि वो पॉलिटिशियन और किसी बड़े बिजनेसमैन के बेटी के सिवाय किसी भी लड़की से शादी कर सकता है, और हेजिन ने अगर कभी भी उन लोगों के बिजनेस में उसका हक मांगा तो वो उसको नहीं छोड़ेगा। ये बोल के वो चला जाता है। सब कुछ सुन के हेजिन चुपचाप वहाँ बैठा रहता है, और यहाँ हमें पता चलता है कि हेजिन के सभी भाई उसको हमेशा ही थ्रेट देते थे कि वो लोग उसके माँ को मार देंगे अगर उसने कभी भी बिजनेस ज्वाइन करने का सोचा तो। इसी वजह से उसके माँ को सही सलामत रखने के लिए हेजिन उसके घर को छोड़ के खुद का एक करियर बनाता है। सेओन जिन के थ्रेट के बाद हेजिन सांगयोन को भी कुछ बहाना करके उससे मिलने से मना कर देता है, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि उसके भाई को सांगयोन के बारे में पता चले। जीहो के बॉस के फैमिली ने गेट टुगेदर रखा था, तो वहाँ जीहो सांगयोन को लेकर जाता है। वहाँ पर जीहो सांगयोन के हर एक जरूरतों का ध्यान रखता है। वो उसका इतना ध्यान रखता है कि उसको देश के उसके बॉसेस के वाइफ्स सांगयोन से जेलस हो जाते हैं, और इधर सांगयोन जीहो के बर्ताव से खुश हो जाती है। आगे हेजिन कहीं जाते हुए अचानक से बहुत बीमार पड़ जाता है, और उसे बीमार हालत में सांगयोन देख लेती है, तो वो हेजिन को उसके कहने पर एक होटल में ले जाती है। वहाँ जाने के वक्त कई लोग हेजिन और सांगयोन को एक साथ देश के उनका फोटो खींच के सोशल मीडिया में अपलोड कर देते हैं। बाद में ये फोटोज जब जीहो देखता है तब वो सांगयोन को हेजिन के साथ देश के बहुत जेलस हो जाता है। सांगयोन हेजिन को होटल रूम में ले जाके उसकी देखरेख करती है। इसके बाद हेजिन जब ठीक होके सांगयोन को उसकी देखरेख करते हुए देखता है, तब इससे वो सांगयोन से और भी इम्प्रेस्ड हो जाता है। हेजिन के ठीक होने के बाद सांगयोन उसको बाय बोल के तुरंत वहां से निकल जाती है। वहां से निकलते ही वो सोचती है कि वो जीहो से मिलने जाएगी। तभी उसे जीहो फोन करके पूछता है कि कल रात वो हेजिन के साथ क्यों थी, तो सांगयोन उसे सब कुछ बताती है कि कल रात क्या हुआ था। सब कुछ सुन के जीहो उसे बोलता है कि उसे सांगयोन से अभी मिलना है, वो उसे लेने आ रहा है। ये सुन के सांगयोन खुश हो जाती है। उधर होटल में हेजिन की मुलाकात जीउन नाम की एक लड़की से होती है। जीउन एक लॉयर थी और उसको हेजिन के कंपनी ने हायर किया था। इसके बाद हेजिन सांगयोन को भी जीउन से मिलवाता है। वो लोग जब बात कर रहे थे तभी वहाँ जीहो आता है, और उस देश के जीउन उन दोनों को बोलती है कि वो मेरा एक हस्बैंड है। और यहाँ पर ही ये पार्ट खत्म हो जाते हैं। मिलते हैं अगले पार्ट में। स्टे ट्यून्ड।